आराम करता हूँ। आज हम लोग निद्रा और उसका जो महत्व रहता है अपने आयुष्य में, उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। तो हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर इसको अगर निद्रा अगर हमने अच्छे से समय के रूप से इसका उपभोग नहीं किया, मतलब ये एक प्राकृतिक क्रिया है कि सभी को नींद आती है, तो निद्रा के बारे में जानना और समझना और उसका महत्व वह बहुत ही जरूरी है। तो मैं आज आप लोगों को, सभी वैद्य लोगों को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करके हम लोग निद्रा और उसका महत्व मनुष्य के जीवन में कितना है वह मैं बताने के लिए आया हूँ। अगर हम लोग, ये सृष्टि बनी है, भगवान ने बनाया है, तो सभी लोग को इस तरह से बनाया है, चींटी से लेके हाथी तक, व्याघ्र से लेके हर प्राणी को, हर जीवित इंसान को, पेड़ पौधे, सभी को ऐसा बनाया है कि दिन भर काम करना है। जैसे सूर्य आते हैं, सूर्योदय होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सब लोग मेहनत करते हैं, और रात को सभी को नींद आती है। यह प्राकृतिक क्रिया है। और मनुष्य के बारे में हम लोग अगर देखें तो त्रिविध उपस्तम बताए हैं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। अगर हम लोग अच्छा खाना पीना खाएंगे, उपस्तम का मतलब है कि पिलर्स, थ्री पिलर्स ऑफ द, ये मतलब मनुष्य के जीवन का आयुष्य, तो पिलर्स है। अगर अच्छा आहार करेंगे तो हम आहार का सेवन करेंगे तो हमारा जिंदगी अच्छा रहेगा, हम लोग स्वस्थ रहेंगे। उसी तरह से अगर निद्रा का अगर सम्यक योग से पालन करेंगे तो हमारा जिंदगी अच्छा रहेगा, और अगर हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो जिंदगी अच्छा रहेगा। हर चीज़ का उपयोग करना है तो वह प्राकृत रूप से होना चाहिए, हीन अति हीन अति और मिथ्या यह नहीं होना चाहिए। हीन योग अगर करेंगे निद्रा का, तो बहुत सारे लोग हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। अति निद्रा से भी बहुत ज़्यादा कफ दोष बढ़ता है, उससे भी बीमारियां हो जाती हैं। प्रमेह जैसी व्याधि है, उसमें बोला है आस्य सुखम स्वप्न सुखम, मतलब दिन भर बैठे रहना और सोते रहना, दिवा स्वाप करना, वह प्रमेह का हेतु है। तो अति योग, मिथ्या योग, और मिथ्या योग में ऐसा है कि कभी भी सोना, कभी भी उठना, कभी भी सोना। कोरोना का जब शुरू हुआ, पहला वेव जब आया था 2020 में, तो एकदम सब जगह, पूरे भारत में क्या, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया गया। तो लोग क्या करते थे, और जियो ने ये दे दिया था, 2 GB का दे दिया था सबको, तो डेटा दे दिया, तो सब लोग क्या करते थे, रात भर जागेंगे और दिन भर सोते थे। तो उसके बाद में आफ्टर कोरोना, उसमें तो कोरोना से तो बचाव हो गया, लेकिन लोगों को बहुत सारी और भी बीमारियां हो गई, वह क्या हो गई, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि निद्रा जो है वह प्राकृत रूप से निद्रा क्यों आती है, उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जब बताया जाता है तो हमें ना उसका सम्यक रूप से पालन करना ही चाहिए। तो इसमें निद्रा क्यों आती है, तो इसमें कफ दोष, जो शरीर का कफ दोष है, उसका डोमिनेंस बढ़ जाता है शरीर में। उसी तरह से रजोगुण, तमोगुण, रज और तम ये बढ़ जाते हैं, रज थोड़ा क्षय हो जाता है, हृदय और संज्ञा व स्त्रोतस में आवरण जन्य संप्राप्ति होने लगती है, यह नॉर्मल होता है, ये फिजियोलॉजी है। तो इसके वजह से निद्रा आने लगती है। अगर रजोगुण बढ़ेगा, वायु का प्रकोप होगा, तो निद्रा कम हो जाएगी, और अगर रजगुण कम हो जाएगा और कफ गुण बढ़ जाएगा, तमोगुण बढ़ जाएगा, तो नींद आने लगती है। इसी के बारे में बताते हैं, यदा तु मनसि क्लान्ते तदा सोपति मानवः, जब मन क्लांत हो जाता है तो मनुष्य सो जाते हैं। इसी तरह से आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का जो महत्व है, तो हमें प्राकृतिक रूप से एक्सरसाइज भी करना चाहिए, काम भी करना चाहिए, और निद्रा का भी जितना हमें जरूरत है, हमारे शरीर को, दिमाग को जितना जरूरत है, उतना तो हमें सोना ही चाहिए। उसी तरह से मन जो है, अगर बहुत ज्यादा क्लांत हो जाता है कोई भी काम करते करते, सोच विचार करते हुए, और उसके बाद में वह ना थोड़ा रेस्ट चाहता है, आराम चाहता है, तब ना नींद आने लगती है कोई भी इंसान को। और इसमें ऐसे बताया आचार्यों ने, इसकी संप्राप्ति कैसे बताई, ये प्राकृत रूप से संप्राप्ति ऐसे बताई है कि स्त्रोतस जो रहते हैं वह कफ से पूरी तरह से ढक जाते हैं, आवरण हो जाता है, और उसके बाद में शरीर जो है वो पूरी तरह से क्लांत हो जाता है, थक जाता है। उसी तरह से जितने भी आँख कान, जितने भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है, वह अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। और सुश्रुताचार्य जी ने इसी को ऐसे बताया कि हृदय जो है वो चेतना का स्थान बताया, सुश्रुताचार्य जी के मत से। और जब कोई इंसान को तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब वह उसको नींद आने लगती है, और तमोगुण ही मेन कारण होता है नींद आने का। रात्रि भी जो रहती है, अब सूर्योदय जब होता है तो सत्व गुण बहुत ज्यादा बढ़ता है, और दिन में पित्त का काल रहता है, और शाम का जो रात का टाइम रहता है वो तमोगुण का रहता है, और शरीर भी थक जाता है, तो रात को नींद अच्छी आने लगती है। और ये सत्व गुण जो रहता है वो जागृत रहता है, सत्वम लघु प्रकाशकम, और तमोगुण जो रहता है वह
कोई भी चीज को रोकते हैं। और ये सत रजतम होना ही चाहिए, मतलब पूरी दुनिया जो है वो सत रजतम से ही बनी है। केवल कोई इंसान जागे ही रहेगा, 24 घंटे जागे ही रहेगा, तो केवल काम ही होते रहेगा, थोड़ा रेस्ट होना भी जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र में बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री है, वह हर दिन काम करती है, लेकिन हर गुरुवार को छुट्टी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि मशीन का मेंटेनेंस, इंसानों का एक दिन छुट्टी तो रखा ही जाता है। और मॉडर्न जो अंग्रेज लोग हैं, उन लोगों ने संडे को छुट्टी रखा है। उसी तरह से शरीर को भी आराम करने की जरूरत है, उसमें रिजुवनेट होता है, नए नए सेल बनते हैं और नरिशमेंट मिलता है। अगर कोई 24 घंटे जागते रहेगा तो फिर वो शरीर का जो फिजियोलॉजी है, मतलब कार्डियक सिस्टम है, फिर उस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। हमें रेस्ट की जरूरत होती है, और वेयर एंड टेयर जो हो गया है उसको रिपेयर करने की जरूरत होती है। इसलिए एक कुछ समय के लिए रोज नींद आती है। तो 24 घंटे में हर इंसान की नींद जो रहती है वो अलग अलग टाइम की रहती है। किसी को 8 घंटे नींद आती है, किसी को 6 घंटे नींद आती है, किसी को 7 घंटे नींद आती है। तो इसके बारे में अपने भट्टाचार्य जी क्या बताते हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ये बताते हैं भट्टाचार्य जी, जो अन्न रक्षा विधि अध्याय है, सूत्र स्थान का 7वां अध्याय है, उसमें 53 नंबर का श्लोक है। इसमें क्या बताया है कि निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्यम बलाबलम दृशदा क्लिबदा ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। इसका मतलब इतना बढ़िया बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि निद्रा ही जो है, निद्रा के अधीन ही है क्या क्या चीज है मनुष्य के लिए, तो सुख मिलना या दुख मिलना। अगर मनुष्य अच्छा नींद लेता है तो उसको उसकी जिंदगी सुखपूर्वक रहेगी। अगर वो नींद नहीं लेता है तो पूरा दिन उसका खराब जाएगा, उसका पूरा जिंदगी खराब जाएगा, तो उसको दुख मिलेगा। उसी तरह से पुष्टि या कार्श्यम, पुष्टि मतलब ब्रिहण होना, शरीर में नरिशमेंट मिलना, और कार्श्यम मतलब सूखापन होना। जो इंसान कम सोते हैं वो बहुत ज्यादा दुबले रहते हैं, रुक्ष रहते हैं। और बला अबलम, बल भी मिलता है तो निद्रा अगर अच्छे लेते हैं तभी बल मिलता है, और नींद नहीं लेते हैं तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इंद्रियों के हिसाब से देखा जाए सबसे वो थक जाते हैं। मानसिक रूप से तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अगर आप लोग ना 1 घंटा या 2 घंटे 24 घंटे में सो के देखिए, तो आपको ना बहुत ज्यादा वीकनेस आएगा, लिथार्जिक फीलिंग होगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये अबलम, इसका भी महत्व है, बला अबलम। बल भी मिलता है, अगर अच्छा नींद लेंगे तो आपको फ्रेश लगेगा, पूरा दिन अच्छा जाएगा, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आपका मन जो है वो खुश रहेगा। अगर आपका नींद पूरा नहीं होगा तो चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होगा, क्रोध आएगा, और ना कोई भी काम करने में आपका एटीट्यूड है वो भी निगेटिव हो जाएगा, कुछ काम करने में मन ही नहीं लगता है, और हर समय नींद आती रहती है, निद्रा का वेग आते रहता है। इसी तरह से दृश्यता क्लिबता, अगर जो इंसान सोता है तो उसके शरीर में स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से होने लगता है, उसका शुक्र धातु अच्छा बनता है, और अगर वो कम सोता है तो उसको क्लिबता आती है, क्लैब्यता आ जाती है, तो वो नपुंसकता की तरफ जाता है। इसी तरह से ज्ञानम अज्ञानम च, ज्ञान भी मिलना है तो नींद अच्छी हो जाएगी तभी उसको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो पूरी तरह से नरिश्ड है, तो दिन भर वो जो भी सेंस ऑर्गन से मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो ज्ञान ले रहा है अपने विषयों को, वह अच्छे से ले पाएगा। तो ज्ञान की प्राप्ति होना, और अज्ञान का मतलब है कि कोई भी चीज नहीं होगा, क्योंकि उसको दिन भर नींद आती रहेगी अगर उसने नींद पूरा नहीं लिया तो इसलिए निद्रा के ही अधीन है। क्या क्या अधीन है? तो सुखम दुखम पुष्टि ही कार्श्यम बला अबलम दृश्यता क्लिवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। जीवित भी नहीं रहते अगर इंसान कम सोता है तो। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यंग एज में ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? उसका कारण क्या होता है कि वो लोग नींद पूरा नहीं ले पाते हैं, वर्कलोड इतना ज्यादा होता है, काम इतना ज्यादा होता है, स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि वो लोग ना साउंड स्लीप ले ही नहीं पाते। और जितने भी बड़े बड़े लोग जो रहते हैं, वो अपर क्लास के लोग जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उनको ना नींद नहीं आती है, तो वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, जैसे कि डाइजेपाम, सिडेटिव दवाइयाँ लेनी पड़ती है, नहीं तो नींद ही नहीं आती है। तो आयुर्वेद में तो हम लोग अभ्यंग पादाभ्यंग करते हैं, अभ्यंग करते हैं, फिर उसके बाद शिरो अभ्यंग करते हैं, फिर उसके बाद में संवाहन करते हैं, मतलब पूरा शरीर को दबवाते हैं, उसी तरह से शिरोधारा करते हैं, नस्य देते हैं, और अपने बहुत सारे दवाइयाँ भी हैं, जैसे कि पिपली मूल है, उसी तरह से अश्वगंधा शीर्षपाक देते हैं, सर्पगंधा घनवट्टी देते हैं, हमारे नेचुरल वे से नींद लाते हैं। हम लोग कोई ऐसे सिंथेटिक केमिकल वगैरह नहीं देते हैं कि जब तक ले रहे हैं तब रिसेप्टर्स का पे काम करेगा और उसका पावर खत्म हो गया तो फिर से जाग जाएंगे और नींद ही नहीं आएगी, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे साइकेट्रिक मेडिसिन जब दिया जाता है तो उसमें भी नींद लाने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, तो इंसान पागल हो जाएगा और उसको नींद नहीं आ रही है। तो
उनका साइंस बहुत अच्छा है, लेकिन वह जो स्लीपिंग पिल्स रहती हैं, मतलब जो नींद लाने वाली दवाइयाँ रहती हैं, उनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसमें साइड इफेक्ट होता है कि अननेचुरल वे से नींद लाया जा रहा है, मतलब आर्टिफिशियल रूप से, तो ब्रेन का जो इंटेलिजेंस है वह कम होने लगता है, ब्रेन का जो IQ लेवल है वह कम होने लगता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि जब अविधि शयनाद, मतलब बिना विधि के अगर कोई सोता है तो क्या होता है, तत्र निद्रां स्तौति नेत्रायतम निद्राधीनं वृषता। मतलब अगर वो बिना विधि के अगर सोता है कोई इंसान तो उसको क्लिबता होती है, शुक्र क्षय होने लगता है। और अगर प्राकृत रूप से अगर वो सोता है, हर इंसान का काम का जो स्वरूप रहता है वो अलग रहता है। जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं या फिर आप डॉक्टर लोग हैं, तो आप लोगों को हम सबको कैसे बैठने का काम रहता है। जो लोग मजदूर लोग हैं उन लोगों का काम बहुत ज़्यादा हैवी वर्क रहता है, फिजिकल वर्क रहता है। तो हर प्रोफेशन का, हर काम का अलग अलग ये रहता है, मतलब दायरा रहता है। तो उसमें नींद जो है, फिजिकल वर्क कितना हो रहा है तो नींद कितना चाहिए उसका अलग प्रमाण रहता है। उसी तरह से जो लोग बैठे रहते हैं उतना फिजिकल वर्क नहीं है, मेंटल वर्क है, उनका नींद का अलग रहता है। कितना आप मेंटली थक जा रहे हैं उस पर भी अलग रहता है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि IT सेक्टर में लोग रहते हैं तो 5 दिन तक उनको निचोड़ देती है कंपनी, इतना सारा हैवी वर्कलोड रहता है और इतना टारगेट रहता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और फिर सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती है वीकेंड में, तो वो लोग सो ही जाते हैं, 2 दिन तक उठने का ही मन नहीं करता, इतनी नींद आती है क्योंकि दिमाग थका हुआ रहता है। तो ठीक है, तो ये ना हर इंसान पे निद्रा जो है, दुश्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वयः, और साथ में प्रोफेशन के हिसाब से ये करता है कि दुश्य क्या है, देश क्या है, काल क्या है, बल क्या है, अग्नि कैसे है, उस हिसाब से नींद का अलग अलग रहता है। लेकिन इसी के साथ में ऐसे बोल रहे हैं अपने आचार्य वाग्भटाचार्य जी, बोल रहे हैं कि दुष्ट निद्राम दर्शय निर्दर्शति अकाल अति प्रसंगा च न च निद्रा निषेविता। बिना काल के नहीं सोना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग रहते हैं ना कि रात भर जागेंगे और सुबह जब सूर्योदय होता है 6 से 10 के बीच में, उस टाइम पे सो जाएंगे, यह बहुत ही गलत है, यह अकाले। फिर बोल रहे अति प्रसंगाच, वो दिन भर सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं। अति प्रसंगाच न च निद्रा निषेविता, यह निद्रा नहीं लेनी चाहिए। सुखायुषी पुरा पराकुर्यात काल नात्रि रिवापरा, यह काल रात्रि की तरह रहती है, मृत्यु सूचक रहती है। अगर कोई कम सो रहा है या ज्यादा सो रहा है, सम्यक रूप से जितना चाहिए उतना ही सोना चाहिए। अगर ज्यादा अगर सोएंगे, असम्यक रूप से हीन योग, अति योग या मिथ्या योग लेंगे, मिथ्या योग मतलब अकाल में सो रहे हैं, और हीन योग का मतलब है कि सो ही नहीं रहे हैं, 1 या 2 घंटे ही सोते हैं, और अति योग मतलब दिन भर सोते ही रहते हैं, जितना जरूरत नहीं तब भी सोते ही रहते हैं, वो थोड़ा गाना वाना सुनेंगे और सो जाएंगे। तो अति निद्रा भी हानिकारक रहता है, तो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। और उसी तरह से वाग्भटाचार्य जी ऐसे बोल रहे हैं कि रात्रो जागरणम रुक्षम, रात्रि में जागना जो रहता है वो रुक्षता उत्पन्न करता है शरीर में, वायु का प्रकोप करता है। स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा, दिन में सोना है वह स्निग्धता करता है, वो स्नेह अंश को बढ़ा देता है। अरुक्षम मनोवशंदी तो असिन प्रचलायितम, अगर किसी को बैठ के सोना है, जैसे टेबल पे बैठ के और आप सो गए दिन में भी अगर सो रहे हैं, तो यह अरुक्षम है, मतलब रुक्षता भी नहीं कर रहे हैं और अनभिसंधि भी है, मतलब अभिसंधि भी नहीं है। इसलिए बैठ के अगर बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो बैठ के सोइए, लेकिन लेट के नहीं सोना चाहिए दिन में, वह बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और ऐसे बोल रहे हैं कि कभी भी जो लोग विषार्थी लोग हैं, जिन्होंने विष का सेवन किया है, उसी तरह से कंठ रोगी है, और तो वह लोगों को ना रात्रि में तो सोना ही चाहिए, कंठ रोगी को जिन्होंने विष का सेवन, उनको तो सोना ही चाहिए। और जिनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, जिनको शोक बहुत ज़्यादा है, मतलब लाइफ में ऐसा है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और जिनको शोक है, भय है, एंजाइटी है, तो उनको दिन में, मतलब दिन में नहीं, रात को जरूर सोना ही चाहिए। उसी तरह से इन लोगों को तो दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में सोना तो निषेध बोला है, केवल ग्रीष्म ऋतु में सोने के लिए बोला है। इसमें और बोले हैं श्वास रोगी हैं, हिदमा रोगी हैं, अतिसार अगर हुआ है तो इसमें दिन में थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सो सकते हैं। उसी तरह से वृद्ध लोगों के लिए अलाउ किया है कि आप लोग दिन में सो सकते हैं। क्रोध शोक भय जो है वह अगर टॉलरेट नहीं हो रहा है, किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, मन थक गया है, तो आप दिन में सो जाइए, ऐसा अलाउ किया है। लेकिन नॉर्मली गुस्से में भी ज़्यादातर नींद नहीं लेनी चाहिए। हाँ, माइंड रिलैक्स करने के लिए थोड़ा स्वैप ले ले तो वो ठीक है, शोक में है, भय में है, तो थोड़ा ले तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर दिवस स्वैप को वर्ज बोला है। एक्सेप्शनल केस में ऐसे बोले कि श्वास रोगी है, हिक्का रोगी है,
वहाँ हिचकी वाली बीमारी है जिसमें शरीर थक गया है हिचकी कर करके, या फिर वहाँ जिसको ना अतिसार हो रहा है वह दिन में सो सकते हैं, उसी तरह से वृद्ध लोग सो सकते हैं, बच्चे सो सकते हैं दिन में, उसी तरह से जिनका बल क्षीण हो गया है वह दिन में सो सकते हैं, जिनको क्षत लगा है, चोट लगी है, इंजरी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, वह लोग दिन में सो सकते हैं, जिन जैसे कि किडनी फेलियर जैसी भी कंडीशन रहती है वो लोग भी दिन में सोए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, वो प्यास की बीमारी है, बार बार पानी पीने के बाद भी रुक जाता है और प्यास लगती है, जिनको पेट दर्द हो रहा है या उधर शूल हो रहा है या शिरा शूल हो रहा है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, अपेंडिसाइटिस का पेन हो रहा है, किडनी स्टोन का पेन हो रहा है, तो उनके लिए तो ये हितकारी है। अगर किडनी स्टोन हो रहा है कहीं पर भी कट गया ये, तो जब सो जाते हैं ना तो अपने आप बॉडी ना उसको हील करने का कोशिश करती है, कहीं पर भी अगर चोट लग गया या ऑब्स्ट्रक्शन है या कुछ भी है, तो जिन लोगों को शूल वगैरह है ना वो लोग सो जाए तो वह, जैसे कि आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि आप लोग रात्रि जागरण के हैं और दिन में बहुत ज़्यादा आपको नींद भी आ रही है और सर दर्द भी हो रहा है, आप सो के उठते हैं तो फ्रेश लगता है, तो ये अलाउ किया गया है। ऐसे ऐसे कंडीशन में सोने के लिए अलाउ किया है दिन में, नहीं तो रात्रि में, तो रात्रि में ही सोने के लिए बोला है। जो लोग ना ये कॉल सेंटर में काम करते हैं तो उन लोगों का कैसे शिफ्ट ड्यूटी रहता है, तो उन लोगों को ना बीपी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रात्रि जो है वो प्राकृतिक रूप से सोने के लिए बनाया है और दिन काम करने के लिए बनाया है, तो इसीलिए इसको जानना बहुत चाहिए। और ऐसा बोल रहे हैं कि जो लोग ने बहुत ज़्यादा सोते हैं उन लोगों को ना जागरण करना चाहिए, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा सो लिए हैं उनको जागरण करना चाहिए। नॉर्मली रात्रो जागरणम रुक्षम, रात्रि में जागरण के लिए तो रुक्षता है, लेकिन अगर आप दिन भर सोएंगे और फिर रात को नींद नहीं आएगी तो ये भी तो गलत है ना, अपने पूरे बॉडी को, बायोलॉजिकल क्लॉक को तो गड़बड़ नहीं करना चाहिए। इसमें एक और चीज़ बता रहे हैं, श्लोक नंबर 56 में बता रहे हैं, ग्रीष्म वायु चया दान रोक्षा रात्याल्प भावता। ग्रीष्म ऋतु अभी जो चल रही है इसमें बोल रहे हैं कि वायु जो है बहुत ज़्यादा गर्म रहती है वायु, और आदान काल है, शरीर में स्नेहांश की कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें रोक्षता, रोक्षात अपने वातावरण में रुक्षता है, पित्त का संचय का काल शुरू हो गया है, वात का संचय का काल शुरू हो गया है, पित्त का नहीं, वात का संचय का काल शुरू हो गया है। वात का प्रकोप का काल कब होगा? वर्षा ऋतु में होगा, तो ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, और रात्रि बहुत छोटी छोटी होती है, रात को नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आप दिन में सो सकते हैं क्योंकि गर्मी है और आदान काल है, शरीर बहुत ज़्यादा कार्श्यता को प्राप्त होता है इस अवस्था में। और ऐसे बोल रहे हैं दिवा स्वप्न हितो अन्यस्मिन कफ पित्त करो हिसा, अन्य अगर सीजन में कोई सोता है तो वो कफ और पित्त को बढ़ा देता है। भुक्त्वा तु भाषा ध्यानाद्व मद्य स्त्री भार कर्म भी, जिसने ये किया है मतलब मद्य का सेवन किया है वह दिन में सो सकता है, फिर उसके बाद में यान बहुत ज़्यादा जर्नी किया है, जैसे ट्रेन से आए हैं, प्लेन से आए हैं, बैलगाड़ी से आए हैं, घोड़ा गाड़ी से आए हैं, तो वो लोग दिन में सोए तो वो अलाउ किया गया है। अध्व मतलब जो लोग ज़्यादा चल गए हैं उनको दिन में सोने के लिए अलाउ किया गया है, जिन्होंने मद्य का सेवन किया है, उसी तरह से जिन्होंने ज़्यादा बात किया है, ज़्यादा भाषण दिया है, जैसे कि मोदी जी गए और उन्होंने 10 रैलियाँ कर लिया और बहुत ज़्यादा भाषण किए, थक गए तो रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, तो दिन में सोए तो चलता है उसी तरह से। और ये खाना खा के भी सोए ना तो वो रेस्ट होता है, वो अच्छा रहता है। इसी तरह से स्त्री का सेवन बहुत ज़्यादा किया, अति मैथुन किया है बहुत ज़्यादा, शुक्र का क्षय हो गया, तो उनको सोना बहुत जरूरी है क्योंकि निद्रा ही जो है वो वृषता करती है, शुक्र को बढ़ा देती है। उसी तरह से जिन्होंने बहुत ज़्यादा वजन उठाया है और जो बहुत ज़्यादा मेहनत किया है उनके लिए तो सोना बहुत अलाउड किया गया है। उसी तरह से धातु साम्यम तथा हेषम श्लेष्मा चांगी चांगानी पुष्यति, इससे क्या होता है दिन में अगर सो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि धातुओं में साम्यता आ जाती है, श्लेष्मा की वृद्धि होती है, अंगों की पुष्टि होती है, मतलब नरिशमेंट मिलता है, तो दिन में सोने के लिए अलाउ किया गया है। इसी तरह से बोल रहे हैं अजीर्ण की अवस्था में जिन्होंने खाया पिया पचा नहीं है, रात भर का खाया और वो पचा नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई, तो वो लोग सोए तो वो अलाउ किया गया है। और जो उन्मत्त लोग हैं, जो पागल लोग हैं, माइंड ठीक नहीं है, सिजोफ्रेनिक है, उनको दिन में सोने से माइंड रिलैक्स हो जाता है, कफ की वृद्धि होती है और वायु बैलेंस हो जाता है, तो उनके लिए वो ठीक है। मतलब जिनको उन्माद के झटके आ रहे हैं बार बार, पागलपन के झटके, उनके लिए दिन में सोने के लिए अलाउ किया गया है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि जो लोग अति मात्रा में सोते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो वह क्या करता है कि बहु मेद कपा स्वप्य हु, बहु ज़्यादा मात्रा में मेद बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, स्नेह नित्याश नाहनी, मतलब जो जो लोग स्नेह का पालन कर रहे हैं और सो रहे हैं उनको तो ये सोना ही नहीं चाहिए, अति अति निद्रा नहीं लेना चाहिए, और जिन्होंने विष का सेवन किया उनको तो कम सोना चाहिए, दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए। उसी तरह से कंठ रोगी हैं, उनको ना बहुत ज़्यादा थकावट है तो सोए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि उनको ना सोए।
उसी तरह से निशा स्वापी, जो लोग ना रात को जागरण कर लिए हैं वह लोग ना दिन में सो सकते हैं, लेकिन वो भी अति निद्रा नहीं लेना है। रात का ऐसा बताया गया है कि रात में अगर 4 घंटे जागे हैं तो उसका हाफ दिन में 2 घंटे तक सो सकते हैं, ऐसे ही बता रहे हैं। अगर अकाल में शयन करते हैं, कभी भी कोई भी सो रहा है, कभी भी जाग रहा है, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि कोरोना टाइम पे हुआ था, उससे क्या हो गया, अकाल शयनान मोह ज्वर, मतलब मोह की स्थिति आती है, क्या करना है क्या नहीं करना, माइंड को समझ नहीं आता, ज्वर आ सकता है, स्थैमित्यता मतलब शरीर गीले कपड़े से ढक गया ऐसा फीलिंग होना, पीनस क्रॉनिक साइनोसाइटिस ये हो सकता है, उसी तरह शिरोरुप हेडेक बहुत ज्यादा होता है। आप लोग कभी भी एक बार सो के देखिए, जब जरूरत नहीं है तब भी सो के देखिए, जब आप उठेंगे ना तो बहुत ज्यादा हेडेक होने लगेगा। उसी तरह से शोफ बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, हुरलास मतलब बहुत ज्यादा नौशिया फीलिंग होने लगता है। उसी तरह से स्त्रोतोरोध बहुत ज्यादा स्त्रोतस में अवरोध, ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन जैसे संप्राप्ति बनती है। अग्निमंदता, अग्निमंद हो जाता है क्योंकि कफ बहुत ज्यादा बन रहा है दिन में सोने से, या अकाल में सोने से, जब जरूरत नहीं है तब सोने से ये बहुत सारा हो जाता है। तब इसमें क्या करना है चिकित्सा, कि जो लोग सोने के वजह से साइनोसाइटिस वगैरह हो रहा है, साइनोसाइटिस हो रहा है, शिरोरुक हो रहा है, कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति हो रही है, अग्निमंदता हो रही है, तब बोला है कि उपवास करना चाहिए, फिर वमन करना चाहिए, अगर थोड़ा सा नमक पानी पिला के या मदन फल करके उल्टी करा देना चाहिए, उसी तरह स्वेदन करना चाहिए, और ऐसी दवाइयां देना चाहिए जो कफ की शमन करने वाली है। और इसमें तीक्ष्ण प्रच्छर्दन, तीक्ष्ण वमन देना चाहिए, शिरो विरेचन, तीक्ष्ण जो शिरो विरेचन है वह द्रव्य देना चाहिए, फिर लंघन कराना चाहिए, चिंता करना चाहिए, मतलब उसको टेंशन दो वो पेशेंट को, तो फिर कफ जो है वो विलयित हो जाएगा। व्यवायाम, उनके लिए व्यवाय अलाउ किया गया है, वो थोड़ा कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, तो थोड़ा व्यवाय कर लेंगे, मैथुन कर लेंगे, शुक्र को क्षय कर लेंगे, तो उनको बैलेंस हो जाएगा वो। उसी तरह से जो शोक में है उनको गुस्सा दिलाना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है, जो लोग बहुत ज्यादा सोए हैं और उनको ना कफ और पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनको शोक देना है, उनको डराना है, उनको थोड़ा गुस्सा दिलाना है, ये चिकित्सा के रूप में। तो इससे क्या होगा कि निद्रा बैलेंस हो जाएगा और फिर उनको सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह से जिन लोगों को इनसोमनिया के कंडीशन है, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको नींद ही नहीं आती है, इनसोमनिया की कंडीशन है, तो अगर जो लोग नहीं सोते हैं, रात रात भर जागे रहते हैं, दिन में भी नींद नहीं आ रही, रात को भी नींद नहीं आ रही, परेशान रहते हैं कि नींद ही नहीं आ रही, उनको क्या होता है, निद्रा नाश अंगमर्द शिरो गौरव जृम्भिका जाड्य ग्लानि भ्रमापत्ति तंद्रा रोगाश्च वातजाः, मतलब जो लोग को नींद नहीं आती है उनके पूरे बॉडी में बॉडी एक होता है, अंगमर्द होता है बहुत ज्यादा, शिरो गौरव हेडेक मतलब सिर में बहुत ज्यादा हैवीनेस लगता है, उसी तरह से जृम्भिका जम्भाई बहुत ज्यादा आती है, जाड्यता बहुत ज्यादा होती हैवीनेस पूरा लगता है, पूरा शरीर में जड़ जड़ पना लगता है, उसी तरह से ग्लानी होती है, मन की थकावट होती है, ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा, लिथार्जिक फीलिंग होती है, फिर भ्रम होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ नहीं आता है। उसी तरह से अपक्ति मतलब अग्निमंदता हो जाती है, तंद्रा होती है, ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा आता है, रोगाश्च वातजाः, वायु के रोग बढ़ जाते हैं, ज्वाइंट पेन होता है, कमर दर्द होने लगता है, फिर बहुत ज्यादा शोष होने लगता है, मतलब पेन और शोष ये सब होने लगता है, धातु क्षयात्मक संप्राप्ति होने लगती है। तो जो लोग सोते नहीं है, जिनका हीन निद्रा है या वो सोते ही नहीं है, उन लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। उसी तरह से इसलिए बोल रहे हैं यथा काल मतो निद्राम रात्रो सेवेत सात्मतः अजागरण असात्म्य अजागरण निर्धम प्रातः स्वप्नात भुक्तवान, मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि रात्रि में तो जरूर सोना ही चाहिए, जिन लोगों ने रात्रि में जागरण कर लिया है और उनको दिन में सोना है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अर्धम प्रातः स्वप्नात भुक्तवान, खाना खा के वो लोग ना आधा, अगर 8 घंटा जागे हैं तो दिन में 4 घंटा सो सकते हैं, मतलब हाफ अगर सोएंगे तो वह शरीर को कोई नुकसान नहीं देता, ऐसा आयुर्वेद का मत है, और ये सब आप्त वचन है। जिनको नींद नहीं आती है उसके लिए क्या बोला है कि निद्रा नाश का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि शीलेन मंद निद्रस्तु क्षीर मद्य रसान दधि, उनको दूध का सेवन कराइए, भैंस का दूध जो है वो निद्रा कर है, उसी तरह से मद्य का सेवन कराइए, मांसरस का सेवन कराइए, दही का सेवन कराइए, तो उससे ना कफ दोष ज्यादा बढ़ जाता है, अभिसंधि गुण बढ़ता है, स्त्रोतोरोध होने लगता है, और जिनको नींद नहीं आ रही है उनको नींद आने लगती है दही का सेवन करने से। यहाँ पर दही जो है वह अनिद्रा की कंडीशन में पथ्यकारक बताइए, नॉर्मल अवस्था में दही को अच्छा नहीं माना जाता है कि वो अपथ्यकारक होता है, लेकिन यहाँ पे निद्रा नाश है तो दही बहुत ज्यादा खाने के लिए देना है। फिर बोला है कि जिनको निद्रा नाश है उनको अभ्यंग कराना है, उद्वर्तन कराना है, स्नान कराना है,
रात को स्नान करके सोए, सोने का कोशिश करे तो उनको नींद अच्छी आएगी, अभ्यंग करा दे, उसी तरह से उद्वर्तन करा दे, उसी तरह से मूर्ध करना जो शिरो पिचू है वह करा दे, फिर कर्णाक्षी तर्पणा अक्षी तर्पण करे, फिर कर्ण पूरण करे, फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि कांता भोलता श्लेषो निवृत्ति कृत्या कृत्यता। इससे फिर क्या होता है कि नींद अच्छी आने लगती है, मनोनुकूला विषय, हाँ मन के अनुकूल बातें करिए तो उनको नींद अच्छी आने लगती है, जो भी स्ट्रेस है उनको चिंता है शोक है भय है वह कम होने लगता है। फिर विषयागम निद्रा सुख प्रदा, ऐसे बातें करें उनसे कि उनको सुख मिले तो फिर अपने आप उनको नींद आने लगती है। फिर उसके बाद में बोले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं और दिन भर रात भर ना पॉर्न वीडियोज देखते हैं उनको नींद नहीं आती है, रात को भी सपने में भी वही आते हैं और बार बार नींद खुल जाती है, निद्रा नाश होता है, तो ब्रह्मचर्य पालन करना ये नींद लाने के लिए अच्छा है। ग्राम में सुख निष्प्रिय चित्त सा, मतलब माइंड को ना ज्यादा अटैच नहीं रखना है कोई भी बातों में, निष्प्रिय रखना है और ग्राम में सुख में भी ज्यादा अटैच नहीं रहना है, मतलब बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा खाना पीने में ध्यान दे रहे हैं और वो नहीं मिल रहा है तो और ज्यादा माइंड डिस्टर्ब है, तो ग्राम में सुख में निष्प्रियता वहां ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है। फिर निद्रा संतोष तृप्त से स्वकर्म नाति बढ़ते, मतलब वहां पे संतोष के हिसाब से ही आना चाहिए और वह तृप्तिदायक ऐसा ही निद्रा का सेवन करना चाहिए, अगर तृप्ति नहीं मिलेगी मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी, इसको इसलिए जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में और भी मैं कुछ कुछ बता देता हूँ आप लोगों को निद्रा के बारे में, अगर हम लोग देखें तो चरकाचार्य जी ने 7 तरह की निद्रा बताई है, वह क्या बताइए तो तमो भवा, अगर शरीर में मन में बहुत ज्यादा तमोगुण बढ़ जाता है तो निद्रा आती है वो तमो भवा होती है, श्लेष्म समुद्भवा जो कफ दोष बढ़ने की वजह से नींद आती है उसको श्लेष्म समुद्भवा निद्रा बोला है, मन श्रम संभवा, तीसरा बता रहे हैं कि जब मन थक जाता है, मन ने बहुत ज्यादा काम कर लिया, मतलब जो जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोई नया इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं या टीवी देखते हैं या बात करते हैं या चिंतन करते हैं, तो मन जब थक जाता है तो उसके वजह से जो नींद आती है वो एक टाइप है। शरीर श्रम संभवा, शरीर के मेहनत करने के बाद जब नींद आती है वो एक टाइप रहता है। आगंतुक की, कोई व्याधि की वजह से जो या कोई और कारण से आगंतुक रूप से जो आती है वह आगंतुक की नाम की निद्रा रहती है। उसी तरह से व्याधानुवर्तनी, आगंतुक की का मतलब है कि कोई मेडिसिन के वजह से जो आगंतुक कारणों की वजह से आ रही है उसको आगंतुक की बोलते हैं, जैसे कि सिडेटिव वगैरह दिया जाता है या कोई विष का हवा का सेवन हो गया, विषैले चीजों का सेवन हो गया तो जो आगंतुक कारण से नींद आती है वो एक टाइप हो गया है। व्याध्यानुवर्तनी, व्याधि के वजह से बार बार नींद आती है वो एक अलग नींद होती है। रात्रि स्वभाव प्रभाव, रात्रि में अपने आप जो नेचुरल नींद आती है वो एक टाइप होती है। उसी तरह से सुश्रुताचार्य जी ने निद्रा के 3 टाइप बोले हैं, वैष्णवी तामसी वैकारी की, वैष्णवी नाम की निद्रा जो रहती है वो प्राकृत रहती है, वो उसमें विष्णु भगवान का प्रभाव है तो वह नॉर्मल रहती है, नेचुरल रहती है। दूसरा बोलते हैं कि जब तम गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसके वजह से नींद आती है तो वो तामसी रहती है। और तीसरी निद्रा सुश्रुताचार्य जी ने वैकारी की निद्रा बताई है, जो विकार से उत्पन्न होती है, कोई बीमारी की वजह से मानसिक या शारीरिक विकार से उत्पन्न होती है उसको वैकारी की निद्रा बोला है। उसी तरह से वाग्भट जी ने भी 7 टाइप की निद्रा बताई है, काल स्वभाव जन्य, अपने आप टाइम पे जो नींद आती है रात को वह काल स्वभाव जन्य नींद है। फिर उसी तरह से चित्त खेद जन्य, किसी ने किसी को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया, चित्त खेद हो गया, बहुत ज्यादा मार दिया, बहुत ज्यादा अपशब्द बोले और वह चीज बर्दाश्त नहीं कर रहा है और चित्त खेद हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया, उसकी वजह से जो नींद आती है इंसान फिर सो जाना पसंद करता है क्योंकि उसका माइंड जो रहता है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, डिप्रेशन में रहता है कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, कोई भी ऐसा हम लोग ने भी देखा है। तो चित्त खेद जन्य जो निद्रा रहती है वह दूसरी टाइप की है वाग्भट के हिसाब से। फिर है आमय जन्य, कोई भी व्याधि जन्य निद्रा होती है वो आमय जन्य होती है। फिर बोल रहे हैं कि शरीर में क्लेद बढ़ने की वजह से, बहुत ज्यादा पानी बढ़ने की वजह से, जैसे कि प्रमेह जैसे व्याधियां है या ऐसे भी पानी जिसने ज्यादा पी लिया, शरबत वगैरह पी लिया और उसको नींद आ रही है तो शरीर क्लेद जन्य निद्रा, ये एक टाइप बताया है। फिर कफ के वजह से जो निद्रा आती है, कफ दोष बढ़ने की वजह से या आगंतुक कारणों की वजह से, विष का सेवन हो गया, धूल धूल जो भी आगंतुक कारण या केमिकल का सेवन हो गया मेडिसिन के रूप में या कैसे भी, तो उसकी वजह से नींद आ रही है तो आगंतुक कारण से होती है। और तमोभवा, तम के वजह से जो नींद आ रही है तो तमोभवा, ऐसे 7 टाइप का वाग्भट जी ने बताया। उसी तरह से अष्टांग हृदयकार ने 4 टाइप की निद्रा बताई है, अष्टांग हृदय, इसके पहले मैंने जो बताया वो अष्टांग संग्रहकार वृद्ध वाग्भट जी का बताया था, अब अष्टांग हृदयकार जो वाग्भट जी है उन्होंने 4 तरह की निद्रा बताई है। उन्होंने बोला है कि सम्यक निद्रा,
जो नॉर्मल नींद आती है वह सम्यक निद्रा हो गया। फिर उसके बाद में अति निद्रा जो आती है, अति मात्रा में आती है, किसी का 8 घंटे का ही नींद का है और वो 18 घंटा सो रहा है, तो अति निद्रा जानबूझ के सो रहा है तो अति निद्रा यह रोग कारक रहती है। फिर हीन निद्रा, जिनको नींद नहीं आ रही है या अनिद्रा की कंडीशन, इनसोम्निया की कंडीशन रहती है, तो ऐसे तो आजकल बहुत सारे हीन निद्रा में लोग हैं। उसी तरह से एक टाइप बताया निद्रा नाश, निद्रा ही नहीं आती है, चाहे कुछ भी कर ले वो लोग डांस कर ले या दुख में रहे, साइकेट्रिक दवाई ले ले, कुछ भी ले ले, उनको नींद ही नहीं आती है, वो बोलते हैं निद्रा नाश। और कुछ लोग रहते हैं अल्प निद्रा वाले रहते हैं, ये सब वैकारिक ही है, सम्यक वाला ही प्राकृत है। अल्प निद्रा मतलब कम सोने वाले लोग जो रहते हैं, वह भी शरीर को अभी तो ठीक है, सत्व गुण है ठीक है, जितना उनकी कैपेसिटी ठीक है, लेकिन एक समय के बाद उनका शरीर थक जाएगा, उनको बहुत ज्यादा व्याधियां होने लगेंगी, तो अल्प निद्रा भी हानिकारक है। उसी तरह से निद्रा नाश जिसको है वह भी हानिकारक है। उसी तरह से जिसको अति मात्रा में निद्रा आ रही है वह भी हानिकारक है, हीन मात्रा में आ रही है वह भी हानिकारक है। ऐसे चार टाइप बताए, हीन निद्रा, अति निद्रा, फिर उसके बाद में निद्रा नाश, अल्प निद्रा, ये चारों ये बताए कि ये नुकसान करता है। इसी तरह से बता रहे हैं कि हमेशा अगर कोई भी इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, उसको ताकत चाहिए, उसको पुरुषत्व चाहिए, तो उसको वृक्षता चाहिए, उसको ना फिर क्या करना चाहिए, प्राकृतिक रूप से सोना चाहिए। और दूसरा है कि अगर जो लोग ठीक से नहीं सोते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, उनका मन दुखी रहता है, उनका जो वृषता है मतलब इम्पोटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्लेब्यता जो बोला है क्लेब्यता बढ़ जाती है, नपुंसकता आने लगती है और प्री मैच्योर डेथ होने लगती है, अकाल मृत्यु होने लगता है, मतलब सेल्फ भी डेड होने लगते हैं, एक दिन वो मृत्यु को ही प्राप्त कर लेता है। इसीलिए निद्रा को जानना, निद्रा को समझना और निद्रा का सेवन करना बहुत जरूरी है। इसको बोला है कि एक त्रिविध उपस्तम्भ में, त्रयोपस्तम्भ में आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, तो निद्रा का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और आपके प्रैक्टिकल उसमें भी इसको हर पेशेंट को बोलिए कि टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, ज्यादा भी नहीं सोना है, कम भी नहीं सोना है, मध्यम मार्ग, जितना जरूरत है उतना तो सोना ही है। और यह संज्ञा व स्त्रोतस और कफ दोष, मनो मन दोष में तम का आवरण और चेतना का स्थान जो हृदय है उसमें आवरण, ये सबको देख के हम लोग को ये समझना चाहिए कि निद्रा प्राकृत रूप से है, यदा तो मनसि क्लान्ते तथा स्वपति मानवः, ऐसा जो बताया है उसको जरूर पालन करना चाहिए। अगर कोई इंसान नहीं सो रहा है तो हमें मेडिसिन देके उसको सुलाना बहुत जरूरी रहता है, इंसान नहीं सोएगा तो उसको मानसिक और शारीरिक बहुत सारी व्याधियां हो जाती है। और ये सारा दीर्घ आयुष्य के लिए बताया है कि नींद जरूर लेना जरूरी रहता है। अब कुंभकर्ण की तरह बहुत ज्यादा भी नहीं सोना है कि 6 6 महीने सोना है, 6 महीने जागना है, फिर 6 महीने सोना है, यह भी नहीं होना चाहिए। हीन योग भी नहीं होना चाहिए, अति योग भी नहीं होना चाहिए, मिथ्या योग भी नहीं होना चाहिए, निद्रा नाश भी नहीं होना चाहिए, अल्प निद्रा भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैंने सिद्धांत बता दिया। अब ऐसे पेशेंट जब आएंगे, आते हैं, तो आप लोग क्या क्या चिकित्सा करते हैं ये आप इंटरेक्टिव सेशन में जरूर बताइएगा। अभी मैं आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका मैं उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। इनबॉक्स में आप लोग लिख दीजिए जो भी आप लोग के प्रश्न है। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर नमस्ते प्रणाम सर, डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आयुष दर्पण के सम्माननीय चिकित्सक हैं। आयुष दर्पण ने आप लोग को पहचाना, आपके हुनर को पहचाना और फिर इसीलिए आप लोग को इतना रेस्पेक्ट दिया जाता है। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर संगीता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विश्व श्रद्धा चिकित्सालय ये बोल रही हैं कि सर आपने जिसको सपने दिखाते हैं उसको क्या दे सकते, तगर चूर्ण आई हैव गिवन, इसके साथ क्या दे, आप उसका शोधन कराइए, वमन कराइए, विरेचन कराइए, नस शिरो विरेचन कराइए, फिर ब्राह्मी वटी दीजिए, स्वर्ण सारस्वता ऋष दीजिए, मतलब उनका ना शोधन करके मेध्य द्रव्य देना है, तो फिर इससे क्या होगा कि प्राकृत नींद आएगी और सपने नहीं आएंगे और उनको ना आध्यात्मिक आप लेके जाइए, मतलब जो इंसान सोचता है ना वही सपने आते हैं। अगर वो गंदी बातें सोचेगा, खून खराबा, किसी को द्वेष का सोचेगा तो सपने में वही आएंगे उसको। अगर किसी को प्यार में अगर है तो दिन भर वो प्यार की बातें सोचेगा तो उसको सपने में भी वही चीज आएगा। अगर कोई ड्रीम देख रहा है, किसी का एम्बिशन है, तो उसको वैसे ही सपने आएंगे। कोई पढ़ाई के मामले में रहते हैं तो उसको वैसे ही सपने आएंगे। तो इसीलिए मन का शुद्धि और विचारों की शुद्धि, इसका जो क्योंकि तम गुण बढ़ जाता है तो इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे निगेटिव बातें आती है, तम और रज,
इसके वजह से तो सपने अधिक आना, इसे एक शारीरिक शुद्धि भी करना है, मानसिक शुद्धि भी करना है। धी धारयात्मादि विज्ञानम, जो बोला है कि मन में संतोष रखना है हर चीज में, उनको काउंसलिंग करिए, आप काउंसलिंग करिए। और तगर चूर्ण आप दे रही हैं, ठीक है, पिपली चूर्ण, पिपली मूल का चूर्ण दे दीजिए, वो अच्छा है। फिर अश्वगंधा क्षीरपाक दे दीजिए, पंचामृत लोग उगुल दीजिए, ब्राह्मी वटी दीजिए, ब्राह्मी प्राश, ब्राह्मी घृत, महाकल्याण घृत, पंचगव्य घृत, महापैशाची घृत, ये सब दे दीजिए। और उनका नस्य करिए, तो नस्य में आप दो टाइप का है, एक उष्ण विधात्मक जैसे कि, और संज्ञा स्थापन करने वाले जैसे कि वचा तेल है, ज्योतिषमती तेल है, हिंगवादी तेल है, सरसों का तेल है, यह शिरो विरेचन है, दोषों को निकालता है। कफ का आवरण ज्यादा हो गया है और रज भी बढ़ गया है, तो नस्य से दोनों चीज में फायदा होगा। ये तीक्ष्ण दे दिया आपने शिरो विरेचन के लिए, नहीं तो आप ब्रिहण और शमन के लिए शीर बला तेल, इसका नस्य दे दीजिए। फिर चंदन मरा लाक्षादी तेल का दीजिए। और अब दोनों काम कराना है, थोड़ा साफ भी करना है, शिरो विरेचन भी करना है, शमन भी करना है, तो अणु तेल, षड बिंदु तेल, ये सारे तेल है, पंचेंद्र वर्धन तेल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सपने ज्यादा आने के लिए मन को मेडिटेशन करें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, स्पिरिचुअल बातें पढ़ें, बड़े बड़े ऐसे लोगों के वीडियोस देखें जो इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस हैं, वह देखें तो पॉजिटिविटी आती है, इन सबसे सपने आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। और भी मन को थका दीजिए, मतलब उनको ऐसा काम पे लगवा दीजिए कि वो ना बिजी रहे, केवल दिन भर कचरा बातें सोचेंगे तो सपने भी कचरा ही आएंगे उनको, ठीक है। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी, जय विदर्भा सर, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विकास जी, नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी, नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजकुमार जी, नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर आलोक कुमार जी, नमस्ते प्रणाम आपको। प्रियंका जी बोल रही हैं, सर बैठ के और लेट के सोने पर दोनों की अवस्था में सोने का काम हो रहा है, तो बैठ के सोने पर दोष प्रकोप क्यों नहीं होता? हाँ, क्योंकि ना ब्लड सर्कुलेशन देखिए, अगर हम लोग सो जाते हैं तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो सोना जो है ना वह अभिसंधि गुण को बढ़ा देता है। बैठे रहने पे क्या होता है कि एक तरह से हम लोग बैठे ही हैं, वहां पे कैलोरीज बर्न हो रहा है, एक तरह से पूरा बॉडी रिलैक्स नहीं हुआ है, जहां रिलैक्स होगा कफ वहां जमा होने लगता है, बैठे रहने पे कफ थोड़ा जमा हो रहा है, तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो ही रहा है। तो मतलब अभिसंधि गुण जो है वो लेटने से, दिन में सोने से अभिसंधि गुण ज्यादा बढ़ता है, स्रोतोरोध हो जाता है, उजिंग होता है, वो ज्यादा पानी पानी निकलने लगता है शरीर में। बैठे रहने से क्या होगा कि वो अभिसंधि, अभिसंधि का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभिसंधि तत्व नहीं बढ़ना चाहिए, अभिसंध बढ़ा तो क्लेद और कफ ये ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो पोस्चरल जो रहता है उस पर ही डिपेंड करता है। डॉक्टर कनवल देवल मैम बोलिए, प्रणाम सर, सर विष रोगी को दिन में सोना क्यों वर्ज्य? विष रोगी को, क्योंकि फिर वो अभिसंधि गुण से विष और ज्यादा बढ़ेगा, वैवाहिक विकास होता है तो, और स्रोतोरोध में जाके फिर कार्डियोटॉक्सिसिटी बढ़ा सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी बढ़ा सकता है, क्योंकि विष को ना पानी चाहिए, क्लेद चाहिए कि फैलना है वो, उसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, तो हम क्यों विष रोगी को हम दिन में सुलाएं, दिन में सोएगा तो उसको वो और फैलेगा, इसलिए वर्ज्य बोला है। अगर वो जागेगा तो वो फैलेगा नहीं, विष टॉक्सिसिटी नहीं फैलेगी। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर सोनम जी बोले, अति निद्रा की चिकित्सा कैसे करें? तो इसमें रुक्षण बोला है कि हमें रुक्ष पदार्थ जैसे कि उद्वर्तन कराएं पेशेंट को ना, पूरा जैसे त्रिफला है ऐसे रुक्ष द्रव्य जो है वह सबसे उद्वर्तन कराना है, तो अति निद्रा नहीं आएगी। फिर उसके बाद में त्रासन चिकित्सा करना है, उनको डराना है, उनको शोक में रखना है, उनको डिप्रेशन में रखता है। नींद कौन लेता है? अस्य सुखम स्वप्न सुखम, मन में कोई चिंता नहीं है, बस सो जाओ। कुछ लोगों का ना पैशन होता है कि दिन में सोना हमारा फेवरेट काम है, वह आदत हैबिट को, तो इसलिए उनको ना हमें हेतु सेवन बंद करना है कि दिन में नहीं सोना है। आप लोगों को याद है डॉक्टर संजीव जी आए थे, डॉक्टर संजीव त्रिहान जी आए थे, उनको ना क्रॉनिक साइनोसाइटिस था, 1 साल पहले की बात है, आयुष दर्पण पे आए थे, तो मैंने उनको दवाई दिया शिरो विरेचन के लिए, तेल भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो दिन में सोना नहीं बंद कर पाए, तो वह मेरे से नहीं ठीक हो पाए थे, मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लिया था, क्योंकि वो दिन में सोना बंद ही नहीं कर पाए, उनका क्रॉनिक साइनोसाइटिस अभी भी है, और वो ऑट्रिविन और एंटी हिस्टामिनिक एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं, सर्दी को कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन वो दिन में सोना नहीं बंद कर रहे। तो अति निद्रा जो है ना, इसमें क्या करना है कि पेशेंट को बिजी रखना है कोई ना कोई काम में, और शोधन कराना है, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण भी कराते हैं ना, तो अति निद्रा, क्योंकि संतर्पण जन्य अगर संप्राप्ति हो रही है तो अति निद्रा आती है, हमें यहाँ पे अपतर्पण करना है, शरीर को रुक्ष करना है, और शरीर को ना कफ और क्लेद इन सबको निकालना है, तो ऐसा करते हैं ना तो अति निद्रा ठीक हो जाता है।
डॉक्टर गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप सब लोग क्या करिए कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें और नोट्स वगैरह दिया जाता है। दूसरा क्या है कि जूम का आईडी और पासवर्ड डेली चेंज होता है, तो आप लोग माधव निदान सेशन में हमसे जुड़ना चाहते हैं, अष्टांग हृदय सेशन में संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में आना चाहते हैं केस डिस्कशन के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, या अपना अचीवमेंट बताने के लिए कि हमने ये पेशेंट ठीक किया, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुई। यहाँ मैंने अपना नंबर दे दिया है इनबॉक्स में, देखिए फेसबुक के, तो इधर आप लोग लिख दीजिए, मतलब मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को लिंक दूंगा गूगल फॉर्म भर के, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो अभी 8 बज गए, मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, कल 7 बजे मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा, और अभी 8:15 बजे क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन होगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। डॉक्टर रवि जी बोल रहे हैं कि सर मैं ऐसे मरीज को नहीं देखता जो पथ्य पालन नहीं करते हैं। आप सही करते हैं, जो लोग परहेज नहीं पालते हैं उनका तो आप इलाज ही मत करिए। कल क्या हुआ, एक पेशेंट आई थी तो वो मुझे बोली कि मतलब उनको नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने नस्से वगैरह दिया तो नींद आने लगी, और वो मेरा दवाई खाने लगी, और मुझे शाम को जब मेरा यहाँ लेक्चर हो रहा था मुझे बार बार फोन आया, तो मैंने उठाया नहीं, फिर रात को 9:30 बजे मैंने कॉल किया तो मुझसे झगड़ा करने लगा उनका बेटा, कि आपने इमरजेंसी में फोन नहीं उठाया, मेरी माँ को हाइपर एसिडिटी हो रहा है, तो मैंने कहा कि आपकी दवाई से हो रहा है, ऐसे उसने बोला, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कॉल किया, मैंने पूछा कि सुबह क्या खाई थी, दोपहर को क्या खाई थी, रात को क्या खाई थी, क्यों हाइपर एसिडिटी हुआ, क्योंकि मेरी दवाई तो ऐसी कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि सुबह वड़ा पाव खाई थी, मैंने पूछा कितना, तो आधा डजन वड़ा पाव खाई थी, और वो वड़ा पाव खाने के साथ में उन्होंने चटनी भी पुदीना का बहुत ज़्यादा खाया था, तीखा मिर्ची वाला खाया था। मैंने कहा कि मैंने तो परहेज में मना किया था, वड़ा पाव और मिर्ची का चटनी ये सब मना किया था, क्यों लिया, तो मेरी दवाई से थोड़ी ना बढ़ा है, आपने उल्टा पुल्टा खाया, तो बोले हम फिर दवाई क्यों ले रहे हैं अगर है। मैंने कहा दवाई अलग बात होती है, परहेज तो अलग बात होती है, और इतना क्या तलब हो रही है कि आप 6-6 वड़ा पाव खा रहे हैं, एक ही वड़ा पाव से पेट भर जाता है, आप 6-6 वड़ा पाव खा रहे हैं, और फिर मुझे फोन करके बोलते हैं कि, तो बोलता है कि मैं कमिश्नर हूँ, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक मेरा पोस्ट है, मैं कमिश्नर हूँ, आप ऐसे ऐसे बात कर देते हैं। मैंने कहा मैं ऐसे ही बात करता हूँ, अगर आप फॉलो नहीं करते, आप कमिश्नर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, आप नहीं पालन करते, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट मत लीजिए, तो बोलते हैं आप फोन नहीं उठाते। मैंने कहा मैं लेक्चर ले रहा हूँ, और हम लोग ना इमरजेंसी की ट्रीटमेंट नहीं करते, और आपको ना अगर इमरजेंसी है भी तो आप व्हाट्सएप पे लिखिए, मैं जब टाइम मिलता है मैं आपको बता दूंगा, तो बोलते हैं मैं कमिश्नर हूँ। मैंने कहा आप कमिश्नर होंगे अपने लिए, मेरे लिए आप कमिश्नर नहीं है, मेरे लिए आप रोगी हैं, आढ्यो रोगी विशक वैश्यो ज्ञापको सत्वान भी, और मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, आप अपना कमिश्नरगिरी जो है दादागिरी है वो अपने पास रखे। तो वो बोलते हैं हम आपसे बात ही नहीं करें। मैंने कहा मत करो बात। तो इसीलिए हमें ना जो मरीज पथ्य नहीं पाल रहे हैं उनके सामने झुकना नहीं है, वो भले बड़ा पोस्ट पे या कुछ भी रहे, उनको पथ्य पालना है तभी हमारा इलाज करें। आपकी बात सही है सर, डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, और हमें झुकना नहीं है, पेशेंट को हमारे विषयक वैश्य होना चाहिए, हमें उनके वैश्य नहीं रहना चाहिए। ठीक है, प्रणाम सभी लोगों को, अभी हम लोग 8:15 बजे मिलेंगे, प्रणाम सभी लोगों को।